वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम DSSB के द्वारा जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कब से वैकेंसी आनी स्टार्ट होंगी, क्योंकि DSSB में काफ़ी दिनों से काम बंद पड़ा हुआ है लगभग, क्योंकि पिछले जो पुराने रिजल्ट है उनको, पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर करने में लगा हुआ है। अब जो डांस ग्रेड 2 है, बहुत बड़ी वैकेंसी है दिल्ली की, ये सबसे बड़ी वैकेंसी जो DSSB कंडक्ट कराता है। इसकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, Tier 1 में कितनी गई थी, Tier 2 में कितनी गई थी, कितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है और पिछली बार इसका पेपर कब हुआ था, उसके बारे में डिटेल से हम डिस्कशन करने वाले हैं गाइज। तो अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, UPSC नॉलेज ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। और यहाँ पर हम डेली क्विज डालते हैं, इसके साथ साथ तो बहुत सारी जो नई अपडेट आती है कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित, वो सारी हम इससे पोस्ट करते हैं। तो गाइज, ये आप इसको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ जो अपकमिंग वैकेंसी हैं जो DSSB के द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी, और जो बहुत जल्द जिनका नोटिफिकेशन आने वाला है, ये स्टाफ नर्सिंग और ANM, इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर, ये वैकेंसी आने वाली है। सेक्शन ऑफिसर जो हॉर्टिकल्चर की, वो आने वाली है। लैब टेक्निकल ग्रेड 3 और लैब टेक्नीशियन ग्रेड 4 और लैब टेक्नीशियन, इसकी वैकेंसी आने वाली है। और लैब टेक्नीशियन 10th क्लास की पोस्ट है ये वैकेंसी आने वाली, जो अपकमिंग वैकेंसी में उनके बारे में बताने वाला हूँ। जूनियर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद डिस्पेंसरी, ये एलोपैथी फार्मासिस्ट, ये इसकी वैकेंसी आने वाली। जो बहुत जो अवेटेड वैकेंसी है वो ये है, LDC क्लर्क वगैरह वाली, LDC क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, इसके बाद स्टेनो टाइपिंग क्लर्क, पर्सनल क्लर्क असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी, बहुत ही दिनों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये आपकी वैकेंसी आने वाली है। और गाइज, मैं ये बताने वाला हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th होती है, 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका एज क्राइटेरिया है वो होता है 18 से 27, ये आप प्लीज़ ध्यान रख लेना अब। और इसके बाद ये जो आप देख सकते हैं, ये अलग अलग वैकेंसी जो है, ड्राइवर की आने वाली 12th हैं, इसके बाद स्टोर कीपर वगैरह, स्टोर सुपरवाइज़र, ड्राइंग टीचर, TGT PGT की जो पोस्ट ये आने वाली हैं, और वेलफेयर ऑफिसर, ये बहुत अच्छी पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर की, ये भी आने वाली है। तो गाइस, और इसके अलावा जो वैकेंसी आने वाली है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो ये हैं, काउंसलर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। अब जो सबसे बड़ी वैकेंसी है DSSB की, हेड क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की जॉब, इसके बाद डांस ग्रेड 2, बहुत बड़ी जॉब है गाइस। ये डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट जो मिनिस्ट्री होती हैं, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है डांस ग्रेड 2 की। और ये दिल्ली गवर्नमेंट के DSSB के द्वारा कंडक्ट कराने वाली सबसे बड़ी वैकेंसी है, और ये 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ, मैंने पहले ही थंबनेल में आपको बता दिया है कि इसके लिए जो एज है वो 21 से 32 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार 32 थी, ध्यान रखना 30 नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा हुआ था जब 2017 में पेपर निकला था तो 21 से 30 उम्र थी पिछली बार इसकी, लेकिन फिर बाद में दोबारा से इसका फॉर्म निकला जिसको 32 में उम्र कर दिया था। तो अब इसमें जो उम्र होगी वो 21 से 32 मान होगी, तो ये आप ध्यान रख लेना। एज क्राइटेरिया 32 होगी, सिंपल ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है डांस ग्रेड 2 के अंदर, और सिंपली इसका पेपर आता है, ज़्यादा उसमें कुछ आता नहीं है। इसमें मैथ आती है और GS आता है, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में तो आप एक चूज कर सकते हो, और थोड़ा रीजनिंग आती है, ये आपका पेपर आता है। पेपर का हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में डांस ग्रेड 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन हमने बता दिया है, एज क्राइटेरिया बता दिया है, अब जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। Tier 1 की कट ऑफ है और Tier 2 की भी कट ऑफ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टोटल वैकेंसी थी वो 266 थी, बहुत अच्छी वैकेंसी, इस बार 450 के आसपास कर वैकेंसी आने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं UR में 97 है, OBC में 56 है, SC कैटेगरी में 24 हैं, यहाँ देख सकते हैं ST में इतने हैं और एक्स सर्विस में 48 हैं, तो ये वैकेंसी इतनी दे रखी है। बात करेंगे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे
टीयर टू के लिए वो टोटल हुए थे 2612, क्योंकि 10:1:10 का इसका वो था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा 1:10 का रेशो लेना था इसको। और जो कट ऑफ गई थी टीयर वन के लिए नॉर्मलाइज होकर यूआर की गई थी जनरल कैटेगरी की 140 और ओबीसी की गई थी 200 में से 128। इसी प्रकार से जो हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की 117, एक्स सर्विसमैन की 80, स्पोर्ट्स पर्सन की 100, ओएच में फिजिकल चैलेंज हुए, इसमें दो ही वैकेंसी थी तो इसलिए इसकी वैकेंसी कट ऑफ ज़्यादा गई थी 119 गई थी। और ओबीएच जिसमें 8 वैकेंसी थी इसकी कट ऑफ 60 गई थी, इसमें एचएच में 6 वैकेंसी थी इसलिए इसकी कट ऑफ 63.75 गई थी। ये टीयर वन की कट ऑफ है। अब हम बात करेंगे टीयर टू की कट ऑफ। टीयर टू डांस ग्रेड टू की जो कट ऑफ है 300 में से गई है, यूआर के अंदर 219 और ओबीसी में गई थी 207, एससी कैटेगरी में 192, एसटी कैटेगरी में 180, एक्स सर्विसमैन में 183, स्पोर्ट्स पर्सन में 189, ओएच में 194, क्योंकि दो ही वैकेंसी थी इसमें, और बीएच में 179 और एचएच में गई थी 126। तो ये टीयर टू की कट ऑफ है। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है ये, तो निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टास्क ग्रेड टू की जो वैकेंसी है दिसंबर एंड तक वैकेंसी आपकी आने की उम्मीद है पूरी पूरी। और जो एलडीसी क्लर्क है और जो ये वाली वैकेंसी जो बहुत स्टेनोग्राफर वाली यूनियन असिस्टेंट वाली, ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली, क्योंकि टीचर की वैकेंसी निकाल दी ये डीएसएसबी ने। अब बहुत तेज़ी से काम कर रहा है कि पुराने पेंडिंग रिजल्ट मैक्सिमम डीएसएसबी ने घोषित कर दिए, अब उनको उसका काम जो नई वैकेंसी पर ही रह गया है। तो गाइस ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस।